बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी समझौता या गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती ने एक बयान में कहा है कि अब बसपा उपचुनाव भी लड़ेगी और प्रत्येक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। मायावती के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि यह मायावती का अपना फैसला है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारों के आधार पर ग्राम पंचायत से लेकर विधायक तक का उपचुनाव पूरे दमदारी से लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर विशेष बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, बीएसपी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीएसपी के बारे में क्या निर्णय लेना है ये उनका काम है जी। उन्होंने जो निर्णय लिया होगा अपने दल के लिए लिया होगा जी। समाजवादी पार्टी पर उनके निर्णय का कोई असर नहीं है जी। समाजवादी पार्टी स्वतंत्र दल है, अलग दल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जी। तो उनके किसी निर्णय का प्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? नहीं, एक उन्होंने एक बात कही है कि हम भविष्य में कोई भी किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। वो उनका फैसला है, भविष्य में वो किसी से नहीं करेंगी, भविष्य में करेंगी, वो उनका फैसला है जी। उनके फैसले को हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो दल अलग है, हम समाजवादी पार्टी अपना फैसला खुद लेती है, उसमें न मायावती जी से पूछ के लेगी और न तो बीजेपी और कांग्रेस से पूछ के लेगी। समाजवादी पार्टी का अपना अलग संविधान है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव की पार्लियामेंट्री बोर्ड और कमेटी लेती है जी। तो माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे उस फैसले को हम लोगों को फॉलो करना है। अध्यक्ष जी, इसमें एक बिंदु जो मायावती जी ने कहा है कि जो कि चूंकि पिछला चुनाव लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने साथ मिलकर कर रहा था और भले सिंबल अलग अलग था, आपका समाजवादी पार्टी का था, उनका बसपा का था, पर एक उन्होंने जो आज का निर्णय उन्होंने कहा है कि हम भविष्य में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, इस पे सवाल कि जो 2022 का जो चुनाव होगा उस पे आप लोग की क्या रणनीति है, उस पे आपको सर सवाल मेरा है। ये मेरा कहना है कि उन्होंने पिछले गठबंधन पर नहीं कुछ बोला है, आगे उनको गठबंधन नहीं करना है कि करना है वो उनका मैटर। पीछे जो गठबंधन हुआ था वो तो पहले ही बात साफ हो गई कि जो 10-12 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, मैं विधानसभा के, उन विधानसभाओं में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे जी। तो उसी समय साफ हो गया था। और चूंकि समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ती है, मायावती जी का दो चीजों पे क्लियर रहा है कि वो उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी, इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, वो उनके दल का है, वो लड़ रही है। लेकिन उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बात कहा है कि भविष्य में हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। वो तो पिछले बार में उन्होंने कह दिया था कि हम उपचुनाव लड़ेंगे, अपना खुद लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन पर मेरी सवाल है। भविष्य के सवाल को भविष्य पर छोड़ दीजिए, क्या समय आएगा, क्या होगा, ये भविष्य में क्या तय होगा, कोई जानता था कि 20 साल 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस होगा? जी। भविष्य में बहुत कुछ चीजें तब के समय और तब के काल के ऊपर सबके लिए होती हैं। हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भविष्य पर छोड़ दीजिए। ठीक। अभी तत्काल में जो चीजें हैं वो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उपचुनाव में जो भी हमारे सामने लड़ेंगे उनसे भरपूर हम लड़ेंगे, भरपूर लड़ करके, और हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। एक सीट हमारी उसमें है रामपुर की जी। और बाकी सीटें बीजेपी की हैं, एक सीट बीएसपी की मान लीजिए है जी। तो हमारी परंपरागत एक सीट रामपुर की है, बाकी बीजेपी अपने उम्मीदवारों को जो है उसके विधायक से जो खत्म हुए हैं एमपी चुनाव के जी। तो मैं समझता हूं कि भरपूर लड़ाई होगी, अच्छे से लड़ाई होगी, और हम अपनी एक सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बीजेपी में से भी कुछ छीनेंगे।